नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। बात की जाए कोविड की तो लगातार जो है कोई ना कोई अपडेट्स, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, चाहे वो कोविड के केसेस को लेकर हो, लगातार जो है निकलता रहता है। और वहीं अब जो है आपको बता दें कि आज जो है जम्मू में जो है एक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि पहले भी हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये कहते हुए आए हैं कि जो कोविड के वैक्सीनेशन डोजेज है वो 100% जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हो जाने चाहिए। तो वहीं अगर बात की जाती है स्कूल्स के बच्चों की और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की, तो लगातार यही सवाल बना रहता है कि आखिरकार स्कूल जो है कब खोले जाएंगे और बच्चे जो है स्कूल्स हो चाहे हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात की जाए तो कब जाएंगे। तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल जो है अगली नोटिफिकेशन तक ये बताया जा रहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस हो वो बंद रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कॉलेजेस जो है वो खोल दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है अब जम्मू में। आपको बता दें कि जम्मू में कुल मिलाकर जो है 73 डिग्री कॉलेज हैं। जी हाँ, 73 डिग्री कॉलेजेस में जो है अब जो है वैक्सीनेशन अभियान जो है वो चलाया जाएगा और जितने भी बच्चे वहाँ पर बात की जाए अंडर ग्रेजुएट हैं या सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनको जो है डोजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जो है 200 स्टूडेंट्स जो है वो वैक्सीनेट कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यही आशंका जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से आंकड़े जो है घटते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जहां पर लॉकडाउन की प्रक्रिया जो थी वो खत्म कर दी गई थी और अब धीरे धीरे हर एक चीज को खोला जा रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो जल्द से जल्द जो स्कूल्स और कॉलेजेस है वो खोल दिए जाने चाहिए। तो इसी को लेकर बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है कि आज जम्मू में जो है वैक्सीनेशन अभियान जो है चलाया गया। और आपको बता दें इसी के साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है उन्होंने निर्देश जारी किए गए थे कि वैक्सीनेशन जो है पूरी 100% हो जानी चाहिए, क्योंकि जहां बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की तो हायर स्टडीज में यही कहा गया था कि जितने भी बच्चे जब स्कूल्स में आएंगे और यूनिवर्सिटीज में आएंगे जो 18 साल के ऊपर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ही बच्चे जो है 18 साल की उम्र के ऊपर जो है पढ़ाई करने आते हैं, तो उनको जो है वैक्सीनेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है ताकि कोई भी बच्चा जो है वो छूट ना जाए और सबको जो है टीकाकरण जो है वो करवाया जाए। तो आज जो है फिलहाल जम्मू में जो है 200 बच्चों ने जो है वैक्सीनेशन करवा ली है और इसी तरीके से जो है अभियान लगातार चलता रहेगा। और अभी फिलहाल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार यही नोटिफिकेशन अभी तक है कि अगली नोटिफिकेशन तक कोई भी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खुलने की जो बात है वो सामने नहीं आई है। और फिलहाल जो है स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन जो है बच्चों को वो प्रोवाइड की जा रही है, चाहे बात की जाए 18 साल के उम्र के ऊपर की चाहे 45 वर्ष के ऊपर की उम्र की। तो सबका जो है 100% वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए। और लगातार जो है प्रशासन भी इसमें जुड़ा हुआ है, चाहे हेल्थ सेंटर की बात की जाए तो वर्कर्स भी लगातार जो है वो भी अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। अगर बच्चों की बात की जाती है तो पिछले साल से जहां पर मार्च में जो है स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, तो लगातार अब बच्चे भी यही कह रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो खोल दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कोविड के थर्ड वेव की तो उसको भी ध्यान रखते हुए जो है स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएंगे। क्योंकि बच्चों की बात जहां आती है तो जहां टीचर्स और स्टाफ की बात आ रही थी कि वैक्सीनेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे भी जो है वैक्सीनेटेड जो होने हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो है वैक्सीनेशन अभियान इसलिए शुरू कर दिया गया है और बच्चे जो है काफ़ी सारे आज वैक्सीनेट हो भी गए हैं। फिलहाल अपडेट के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।